लस्टफुल इमेजिनेशन, किसी के प्रति अटैच होना या किसी खाने से अटैच होना या कोई भी सेंस ऑब्जेक्ट से अटैच होना, ये एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर देता है। तो आज इसकी इक्वेशन समझेंगे। जब आप कोई काम करते हो तो एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, आप किसी के ऊपर डिपेंड हो कोई काम करने के लिए। लेकिन जब एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है तो एक अटैचमेंट, आसक्ति आ जाती है वहाँ पे, और आसक्ति राइज देती है 6 विकारों को, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य। बेसिकली जब आप कोई भी सेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्रूड करते हो, जैसे आप किसी लड़की को चाहते हो या लड़के को चाहते हो तो आप ब्रूड करते हो उनके बारे में, और ये अटैचमेंट क्रिएट कर देता है। कैसे? फैंसीफुल इमेजिनेशन, आप सोचते हो उनके बारे में और फिर अपने आप को एसोसिएट करते हो, और उससे आप फील गुड करते हो, बेटर फील करते हो अपने बारे में। अब ये जो साइकिल है, ये साइकिल चलती रहेगी जब तक आप ये ब्रूडिंग करते रहोगे, और ये आपके 6 विकारों को स्ट्रॉन्ग करती रहेगी। इन टर्न आपकी लाइफ में सॉरो या अनहैप्पीनेस बढ़ती रहेगी, और अटैचमेंट में कंट्रोलिंग और किसी को एक पर्टिकुलर वे में आप एक रिजल्ट में इंसिस्ट करते रहोगे कि इसको इसी तरीके से बिहेव करना चाहिए। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई खाने की चीज़ हो सकती है या कोई भी सेंस ऑब्जेक्ट हो सकता है। माइंड अटैच हो जाता है और उसको वो चीज़ चाहिए होती है अपनी खुशी के लिए। अब इसको दूर कैसे करना है? मंत्र, जप, मेडिटेशन, ये कुछ टेक्निक्स होती है, राइट थिंकिंग, विवेक शक्ति बढ़ाना, ये आप कोई चीज़ टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में। और ये बढ़ती कैसी है लाइफ में? यम, योग में यम और नियम बढ़ा के, 5 यम और 5 नियम। जब आप ये फॉलो करते हो आपकी माइंड का सात्विक गुण बढ़ेगा और आपके अंदर राइट और क्लियर थिंकिंग के गुण बढ़ेंगे।